और इस बीच बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया है। सत्संग के दौरान वहां भगदड़ मची है, जहां भगदड़ में कई लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। लगभग 75 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा, सत्संग के दौरान भगदड़ मची है और इस भगदड़ में कई लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, जिसमें लगभग 75 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कलेक्टर आशीष पटेल ने सभी मौतों की पुष्टि की है। हाथरस हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, जहां मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों की बात करें तो 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने तत्काल जांच के आदेश भी दिए हैं, जहां मामले में जांच कमेटी भी गठित कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के हाथरस से जहां बड़ा हादसा हुआ है, सत्संग के दौरान भगदड़ मची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ थी वो बेकाबू हुई और तुरंत वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। भगदड़ में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। बता रहे सिकंदराव से एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग के बाद बड़ा हादसा हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ निकल रही थी और भीड़ को एक हिस्से से बाबा का काफिला निकालने के लिए रोका, तभी ये भगदड़ मच गई। इसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि की बात सामने नहीं आई। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहां मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहां संभव होगा, सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित रतिभानपुर में सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची। भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं।